नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रीडम न्यूज इंडिया। दोस्तों, जिस तरह से खबरें अभी आ रही हैं और जब 15 तारीख को अजितेश और साक्षी अलाहाबाद हाई कोर्ट में पेश होने जाते हैं, तभी उनसे हाथापाई होती है। उनके ऊपर कुछ लोग आकर वार कर देते हैं, अचानक हमला कर देते हैं। और वो लोग दोस्तों जो काली वर्दी में थे, और वो लोग कहा जा रहा था कि वकीलों के वर्दी में थे, वकीलों के कपड़ों में थे, और अचानक आए वो अजितेश के ऊपर हमला कर दिए और अजितेश से उनकी हाथापाई हुई। और फिर उसके बाद बीच बचाव किया गया, जिसके वजह से उनकी जान बच गई। दोस्तों, आखिरकार ये सोच सकते हैं आप कि लोगों की मानसिकता पर कुछ नहीं आप कह सकते। और चाहे जितना आप ये कर लीजिए कि अब देश से जातिवाद जो है प्रथा हट जाएगी, तो अब दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरह से आए दिन खबरें आ रही हैं जातिवाद को लेकर और दलित अजितेश के ऊपर जिस तरह से वकीलों ने हमला किया, क्या वकील थे या फिर वकीलों के कपड़े में कोई अन्य व्यक्ति थे, और ये शक उनके पिताजी पर भी किया जा रहा है, उन पर भी किया जा रहा है कि क्या उन्होंने तो नहीं भेजा था उन लोगों को। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि जब ये हाथापाई हुई, उसके कुछ ही देर बाद जितने हाथापाई लोग जितने लोग इसमें शामिल थे इस झगड़े में, उस वक्त वो सभी भाग गए और वहां पर एक मिनट भी नहीं ठहरे वो लोग। और दोस्तों, फिर उसके बाद जब हाई कोर्ट में ये दलील दी गई कि हम सुरक्षित नहीं हैं उनके तरफ से, अजितेश की तरफ से, कि अब जो है हमारे ऊपर जब हाई कोर्ट में हमले हो रहे हैं, तो आखिरकार आप ही बताइए कि किस तरह से, क्या हम महफूज हैं। तो उसके बाद उनको सिक्योरिटी दे दी गई है, अजितेश और साक्षी को, दोनों को सिक्योरिटी इस वक्त दे दिया गया है यूपी पुलिस की तरफ से। और दोस्तों, ये जान लीजिए कि वो सुरक्षित नहीं है। और आगे की अपडेट आती है दोनों से संबंधित, आपको हम रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, दीजिए इजाजत और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन कोई भी खबरों का मिल जाए। दोस्तों, तो दीजिए इजाजत, नमस्कार।